टीचर से भी कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने आया है, आप अपना लेवल नीचे करके एक स्टूडेंट बन के सोचिए, स्टूडेंट के दोस्त बन जाइएगा। टीचर बन के सोचिएगा, स्टूडेंट आपको कसाई की तरह देखेगा, अरे भैया ये क्या कर रहा है, हमको डर लगेगा। हमको डर लगता था टीचर से, कुछ टीचर का नाम हम तो हम लोग ही मनाते थे, भैया ये टीचर का ट्रांसफर हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए। कोई नहीं हो सकता है जिसके ऊपर संघर्ष नहीं पड़ा। याद रखिएगा, उस पत्थर की पूजा कभी नहीं होती है जिसने कभी छीनी हथौड़ी की चोट ना खाई हो, क्योंकि मूरत बनने से पहले बहुत चोट खाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चोट नहीं खा सकते हैं तो कभी मूरत नहीं बनेंगे और कभी आपकी पूजा नहीं होगी। सवाल का एक ही जवाब देना है, कामयाब बन के। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। माँ लोग ना बड़ा सेंसिटिव होती है, घबरा जाती है। अब कितने भी बड़े हो जाइएगा ना, तो माँ होती है, माँ की आंखें एक ऐसा आईना होती है ना जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते, उनको अभी भी वही छोटे दिखते हैं। और माँ बाप की बातों पे थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, इनकी आंखें कमजोर होती हैं लेकिन निगाहें बहुत मजबूत होती है, 2 मिनट में इंसान पहचान जाते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी? नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं समझ में आता है लोगों, वो हमारे जख्म नहीं भरे हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं, हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम उन तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं। सोचिए, अगर एक नंबर से भी अगर आप पीछे छूट गए ना, दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपको ताने मारने आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो। शिक्षा इतनी जरूरी चीज है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। यहाँ पर आगे आने वाले कल में आप भी दहाड़िए, ताकि आपको आपके गांव और आपके राज्य पर आपको गर्व महसूस हो, कि कल को फक्र से लोग कहें कि नहीं, ये लड़का मेरे स्टेट का रहने वाला था। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि केवल आपका परिवार ना खुश हो, केवल आपका गांव और जिला ना खुश हो, बल्कि सफलता इतनी बड़ी हो कि आपका पूरा राज्य जश्न मनाए कि मेरे राज्य से ये लड़का गया था यहाँ पर। इंसान को गुस्से पे आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है, ये सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या हैं क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो को साइड कीजिए, आराम से पढ़िए। कई बार आपके जूनियर्स आपको समझाएंगे, कई बार हम लोग के टीचर पढ़ा के चले जाते थे, समझ में नहीं आते थे, और हम लोग के साथ बैठ के पढ़ने वाला हमें समझा देता था। हमें तो कभी कभी कसाई से ज्यादा टीचर से डरने लगने लगता था, अरे यार यार टीचर है यार, बहुत डर लगने लगता था यहाँ पे। तो कई बार क्या ना, हमारे साथ वाले बच्चे हमें पढ़ाए तो हम लोग अपना ईगो साइड किए, हमने उनसे कहा कि भैया हमको तुम समझा दो। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन हो जाना चाहिए, नॉट ओनली एजुकेशन। तो हमें कहा कि भाई बच्चों को कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें इंडिया लेवल पे कह के लड़के कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खान सर है हमारे लिए। तो हम आज उस समय भी हमने 200 रुपए में भी लेके आज भी उतना में पढ़ाए हम, और बहुत खुश हैं उतना से यहाँ पर, क्योंकि कुछ करोड़ों रुपए से आप अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें ठुकरा कर आज हमने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपना घर बना लिया। आप सब यूथ हैं, आपके सामने और पूरा खुला हुआ एकदम दुनिया है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए। यहां पर इन युवाओं के लिए जो खड़ा रहता है, बस इनको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। सर ये भी सैलाब है, बस इन्हें एक रास्ता दिखा देंगे, ये दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, जहां से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे ये। और ऑनरेबल सीएम सर जैसे एक क्रांति को मुहिम लेके चलते हैं, और हकीकत में जानिए कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो युवा ही ला सकते हैं। समाज की क्रांति वही ला सकते हैं, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो
पटना आप चाहे बिहार से लिखिए चाहे सिक्किम का पूरे इंडिया में कहीं भी देखिए, जब युवा आगे बढ़े थे तो अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं भैया अब यहां से जाना ही होगा। तो बिल्कुल सही है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसमें और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं है, हमेशा अपडेट होना होने को सोचिएगा, अपडेट हमेशा जरूर। आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन पे, आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते, ये भी जरूरी है। और देखिए मोटिवेशन वगैरह चीजों की देखिए एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि आपके अंदर सेल्फ एक डिसिप्लिन होने चाहिए कि जैसे अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं एक्स अमाउंट की तो आप उसे डिलीवर कीजिए 4x अमाउंट। अपने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा तो जितना वादा किए हैं उससे 4 गुना पढ़ के दिखाइए। एक वादा तो अपने आप से भी कीजिए, एक लड़ाई खुद से खुद को बदलने के लिए। आइए हम देखते हैं, बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते हैं फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। तो जब भी ईमानदारी से वर्क करना कीजिए और हमेशा लाइफ का एक उसूल रखिए कि हमें देश के लिए परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हम उसे नहीं बदलेंगे। अपना वो जमीर जिंदा रखिए, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर गया तो खेल खत्म। जब कोरोना आया था तो हम लोग भी एक मिडिल क्लास से थे और हमें भी नहीं लगा कि कैसे आदमी इतना सिक्किम में आने के बाद, सर हमें पहले हमको लगता था बिहार से हैं, अभी हमको यहाँ आने के बाद लगता है कि सिक्किम भी मेरा ही है। ऐसा लगता ही नहीं हम कहाँ से, इतना हमको यहाँ से जाना था, बट हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम एक दिन और रुकेंगे यहाँ पे। वो आप लोग का प्रेम था, इतना लगाव था, ऐसा लगा कि मतलब हमारे यहीं से पले बढ़े हैं। एक छोटे से समय में आप लोगों ने इतना घुल मिल गए यहाँ पर। तो हमेशा उसूलों से समझौता नहीं कीजिएगा। जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी, हम लोग की भी बंद हो गए थे। उस दौरान हमको एक जगह से 107 करोड़ का ऑफर आया था, बट हम अगर चाहते तो उसको ले लेते। हम जीवन में 107 करोड़ आदमी नहीं कमा पाएगा, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हमने ठुकराया और कहा कि हम 200 रुपये में ही बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 200 रुपये में कोई तो होना चाहिए जो उसके लिए खड़ा रहे। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, जिस तरह से दिस इज वाटर, लेकिन दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर। उसी तरह एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन हो जाना चाहिए, नॉट ओनली एजुकेशन। तो हमें कहा कि भाई बच्चों को कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें इंडिया लेवल पे कह के लड़के कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खान सर है हमारे लिए। तो हम आज उस समय भी हमने 200 रुपए में भी लेके आज भी उतना में पढ़ाए हम, और बहुत खुश हैं उतना से यहाँ पर, क्योंकि कुछ करोड़ों रुपए से आप अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें ठुकरा कर आज हमने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपना घर बना लिया। आप सब यूथ हैं, आपके सामने और पूरा खुला हुआ एकदम दुनिया है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है, इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहां पर। और यंग जनरेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग ने यंग है तो क्या होता है ना, हर उम्र की ख्वाहिशें अलग होती हैं। बचपन में हमें खिलौना ही सबसे अच्छा लगता है, उसके सिवा कुछ नहीं। और जब से जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी ख्वाहिशें बदलते जाती हैं। लेकिन अभी यंग जनरेशन में अभी थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करना जरूरी है। छोटे छोटे लड़कों को देखते हैं स्कूल में कॉलेज में झगड़ा कर लेते हैं, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। गुस्सा इस बीज का नाम है जिसके ऊपर अहंकार नाम का पेड़ जमता है। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा अहंकार नहीं आएगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा तब देखिए अहंकार तुम क्या कर लोगे मेरा। तो इस चीज को कंट्रोल कीजिएगा, जब तक गुस्सा नहीं है अहंकार नहीं है। और गुस्सा और आंधी जब ये चला जाता है तो ही अनुमान लगता है कितने का नुकसान हुआ, उस दौरान नहीं पता चलता है। तो क्या जरूरत है अपना नुकसान कराने की। तो इंसान को गुस्से पे आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है, इस सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो में, ईगो को साइड कीजिए, आराम से पढ़िए। कई बार आपके जूनियर्स आपको समझाएंगे, कई बार हम लोग के टीचर पढ़ा के चले जाते थे समझ में नहीं आते थे, और हम लोग के साथ बैठ के पढ़ने वाला हमें समझा देता था। हमें तो कभी कभी कसाई से ज्यादा टीचर से डरने लगने लगता था, अरे यार यार टीचर है यार, बहुत डर लगने लगता था यहाँ पे। तो कई बार क्या ना, हमारे साथ वाले बच्चे हमें पढ़ाए तो हम लोग अपना ईगो साइड किए,
हमने उनसे कहा कि भैया हमको तुम समझा दो। इस तरह कई बार आपके समाज, आपके दोस्त आपको समझाएंगे। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, हम सब सोसाइटी से अपने लास्ट ब्रीथ तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन एक चीज सीखिए हमेशा कि आपको अहंकार साइड में रखना है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। आप खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए याद रखिएगा, सफलता जितने ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। और ये शब्दों को थोड़ा सा, क्योंकि आप यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, हमेशा छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि इंसान को ठोकर छोटे पत्थरों से लगता है, कोई पहाड़ से थोड़ी टकरा जाता है, ठोकर उन्हीं से लगता है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिएगा। भाषा का हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते हैं। इसलिए इस वर्ड पे बड़ा कमांड करिएगा यहाँ पे, वरना ये वर्ड ये जो हमें हमारी पहचान कराता है, वरना हम अंदर से क्या है क्या पता चलने वाला है। हमारी शब्द ही हमारा पहचान कराते हैं। और शब्दों का चयन ऐसा कीजिएगा कि अगर जिंदगी में वापस लेना पड़े तो तकलीफ ना हो वहां पे। इसका चयन थोड़ा सोच समझ के जरूर कीजिएगा। और बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको रुकावटें आएंगी लाइफ में, आने दीजिए रुकावटें। आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं, ना ही आपका राज्य रुकावटों के लिए बना है। इतनी मुश्किलों के साथ भी मुस्कुराता हुआ खड़ा चेहरा ये देखकर सामने वाली मुसीबत का सब नीचे झुक जाएगा, यार क्या इंसान है ये लोग यहां पर। तो आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं यहां पे, और कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और युवा तो वो परिंदे होते हैं कि अगर कोई ने पिंजरा में बंद भी कर देगा तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे उसे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोग को। एजुकेशन देखिए, अभी क्या ना एजुकेशन, अभी देखिएगा अभी जगह जगह साइंस डेवलप हो गया है, रडार में पता कर लेते हैं कि कौन सा जहाज है, कौन सी मिसाइल है, मेटल डिटेक्टर में पता चल जाता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, और इसकी मैगजीन कभी खाली भी नहीं होती है। इसकी मैगजीन खाली नहीं होती है एजुकेशन की। इसलिए एजुकेशन पे क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन एजुकेशन की कुछ खराबियां हैं कि इसका रिजल्ट बड़ा लेट से दिखता है हम लोग को। अब जैसे बड़ा लंबा लेट से दिखता है एजुकेशन गैप। अब किसी को भीख मांगना है, सपोज कर रहे हैं, उसको 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बोहनी हो ही जाएगी उसकी, 1 घंटे में उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मजदूरी करिएगा, शाम तक रिजल्ट दिख जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एजुकेशन जब कीजिएगा 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट होगा तो दुनिया देखेगी उस चीज को। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहां पर। तो आप सारे यूथ लोगों को उसी तरह हीरे की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। आप सब माँ बाप का एक सपना लेके बैठे हैं। अगर कभी जीवन में हताश हो जाइएगा तो अपनी माँ की उस आंखों को याद कीजिएगा कि आपकी माँ, उस बूढ़ी माँ की आंख में अभी भी आपकी सफलता की उम्मीद लेके वो बैठी है घर में कि मेरा बेटा मेरी बेटी सफल होकर आएगी। क्या आप उस माँ की आंखों में धूल झोंक देंगे? क्या आप उस माँ की आंखों का सपना टूटता हुए छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए एजुकेशन में बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग फिर उसको करेंगे यहाँ पर। अब एजुकेशन चीजें भी ऐसे, अब किसी को आप खाना खिला दीजिएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में सुना कि किसी को खाना खिलाएंगे 1 दिन जा सकता है उसका, कुछ पैसे देंगे कुछ दिन बीत सकता है, लेकिन एजुकेशन देंगे पूरी जिंदगी वो बिता सकता है, शान से जिंदगी को जी सकता है। इसलिए शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए एजुकेशन को, और आप लोगों का एजुकेशन के प्रति इतना समर्पण। और सीएम सर आपको भी बहुत बहुत सर आपके आभारी, जो इन बच्चों के लिए आप मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए इतने व्यस्त कार्यक्रम में, जिससे कि इनका मनोबल और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। और शिक्षा इतनी जरूरी चीज है
कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। यहाँ पर आगे आने वाले कल में आप भी दहाड़िए, ताकि आपको आपके गांव और आपके राज्य पर आपको गर्व महसूस हो, कि कल को फक्र से लोग कहें कि नहीं, ये लड़का मेरे स्टेट का रहने वाला था। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि केवल आपका परिवार न खुश हो, केवल आपका गांव और जिला न खुश हो, बल्कि सफलता इतनी बड़ी हो कि आपका पूरा राज्य जश्न मनाए कि मेरे राज्य से ये लड़का गया था यहाँ पर। भी एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में। आजकल की लाइफ ना दिखावे की जिंदगी हो गई है। अरे दिखावे की, कि बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर दिखना नहीं चाहते हैं। दोनों में अंतर है, एक दिखने में एक बनने में। तो आप बड़ा बनिए, और सबसे बड़ा अमीर कौन होता है? जिसके बगल में बैठे गरीब को भी आभास ना हो कि वो गरीब है, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। सबसे अच्छा राज्य कौन है? जिसमें बाहर से आए व्यक्ति को आभास ना हो कि बाहर के राज्य से आया है। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। सिक्किम बिहार से आने के बाद हमें एहसास नहीं हुआ कि हम सिक्किम बाहर से हैं, मेरा अपना राज्य नहीं है। तो ये चीज में आपको हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो इस चीजों को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। लाइफ इंसान की अहमियत ना, एक जीरो देखे, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए, यहाँ पे बढ़ जाए। हाँ, हमेशा एक एक छाया वाले वृक्ष के समान अपनी जिंदगी को रखिएगा। ऐसा नहीं कि घमंड ज्यादा हो, कि किसी को आपको बात करने में अच्छा ना लगे, ये सब चीजों में। और यंग जनरेशन को स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अभी 4th बंदर की खोज हुई है, पता है कि नहीं? मोबाइल लेके बैठा है वो, समझा ही नहीं। वो आजकल का स्टूडेंट पता नहीं क्या इसी में खोया हुआ। अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब हमको लगता है ना, कुछ देर में मौन व्रत की जगह पे मोबाइल व्रत भी रखा जाएगा, कि आज 1 दिन का मोबाइल व्रत होगा भैया, हम लोग मोबाइल से दूर रहेंगे। यहाँ पे ये किडनी की तरह हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। यहाँ पर पहले हम लोग अपने घर में वहां बिस्तर लगाते थे जहाँ पंखा करीब होता था, अभी वहां लगाते हैं जहाँ चार्जर करीब है। अजीब परेशान हो गए। तो यंग जनरेशन लोग थोड़ा समझिए, ऐसा ना हो कि आज का युवा जाग गया है, अब उठेगा ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। तो यंग जनरेशन को बहुत त्याग करने की जरूरत है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, खूब टाइम टेबल बनाते थे, जब फ्रस्ट्रेट होते थे टाइम टेबल बनाते थे, अब पढ़ना है हमको, परिवार को बदलना है, एग्जाम क्रैक करना है, टॉप कर देना है, और 2 दिन टाइम टेबल फॉलो होता था, 2 दिन उससे ज्यादा फॉलो नहीं होता था। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके दिल में हो, दिल में। और एक बात जरा सोचिए, आप यंग जनरेशन है, पढ़ने के लिए आए, टाइम टेबल आपका इस बात का होना चाहिए कि खेलने कब जाएंगे, मोबाइल कब चलाएंगे। मेन काम का टाइम टेबल थोड़ी होता है, टाइम टेबल एक्स्ट्रा काम का होता है, लेकिन हमारी जनरेशन पढ़ने का टाइम टेबल बना रही है। अरे भाई क्या कर रहा है, पूरा सिस्टम उल्टा करके रखा है। टाइम टेबल किस चीज का होना चाहिए? खेलने का, मोबाइल चलाने का, बाहर जाने का, पढ़ने का कोई टाइम टेबल होना चाहिए? भाई आप आए किस लिए? यंग जनरेशन है क्यों? पढ़ाई करने के लिए यही मौका है। यही एक पढ़ाई ऐसा चीज है ना जिसमें उम्र मायने रखती है। एक उम्र जाने के बाद ना, फिर आप उस तरह का जुनून पढ़ाई के प्रति नहीं बचेगा। बाकी फैशन वगैरह का तो उम्र पूरी जिंदगी रहता है यहाँ पर, समझा कि नहीं? अभी आपने तो अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो क्या हो, आपको दिल में छपा रहे, हमें पढ़ना है, खाली टाइम मिले उसे रिवीजन करते रहे। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन इधर उधर बिगड़ गया है, लाल पीला हरा में चला गया है, तो उस चीजों से भी बच के रहना है यहाँ पर। रात को 12 बजे के बाद उसी की याद आती है जो जिंदगी में 12 बजा दिया होता है। अजीब जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन से खास करके कहेंगे, अपनी लाइफ एम्बुलेंस की तरह कर दिया है, घायल दिल लेके घूम रहा है। इसे करके आपने क्या है, क्यों परेशान हो इन सब चीजों में? इन सब चीजों से बच के रहा कीजिए। अभी आगे बढ़ने की उम्र है, लाइफ में 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। तो यंग जनरेशन इसमें ध्यान दे, और लड़कियां थोड़ी सी समझदारी से किसी से बात करने से पहले, हाथ थामने से पहले सोच समझ के, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं।
यंग जनरेशन में लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, ये उम्र की ही दोष है, लेकिन इसमें क्या है ना कि समझदारी और समय दोनों में उल्टा संबंध है। जब तक समय रहता है समझदारी नहीं आती है, जब समझदारी आती है समय निकल चुका रहता है। बुढ़ापे में समझदारी आके क्या करिएगा। और सक्सेस इंसान की एक पहचान देखिएगा, समय रहते उसमें समझदारी आ जाती है। और सफलता कुछ त्याग मांगती है, सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा, आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे सफल नहीं होंगे। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अतः आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल, सबको त्यागना पड़ेगा। और एक साल कुछ समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। और ये इंडिया है, यहां सफल हो गए तो बिना जाने वाले लोग भी कहेंगे कि मतलब बहुत अच्छे थे। अभी हम भी सुन रहे थे कि पता नहीं कहां से हम पीजी किए हुए हैं, हमको भी पहली बार पता चला। और पता नहीं कहां के हम रहने वाले हैं। और वो सब मतलब समझ रहे ना। अच्छा, लेकिन अगर आप स्लाइटली सोचिए, अगर एक नंबर से भी अगर आप पीछे छूट गए ना, दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपको ताने मारने आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझ आया ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है। काबिल बनना है मतलब बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। तो मेरे जेब में चंद सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना है इन सब चीजों में। और यंग जनरेशन स्टूडेंट से कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। और मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर जाइए और अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। अपने लुक पर ध्यान मत दो, अपने बुक पर ध्यान दो। बुक पर, लुक पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर बुक पे ध्यान दिए तो लुक वाले पीछे रहेंगे। समझ आ रहा है। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल होइए। देखिए, इंसान दो तरह से सफल होता है, एक शारीरिक श्रम करके और एक मानसिक श्रम करके। एक मजदूर होता है, वो अपना शारीरिक श्रम करता है, लेकिन उसका लॉस समझिए क्या होता है। उसको तो तुरंत मिल जाएगा, 18 साल का हुआ कि नहीं मजदूरी चालू कर दिया, उसको तो पैसे मिल जाएगा, लेकिन सोचिए लॉन्ग टाइम लॉस। जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, लोग उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू गिरते जाएगी। आप अपने यहां बूढ़ा मजदूर अवॉइड करते हैं कि कहां से काम कर पाए, लेकिन सोचिए अगर उसी के साथ पढ़ा लड़का 18 साल के जगह 22 साल पे जॉब लगता है या पढ़ लिख लेता है, तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका कद बढ़ेगा, उसकी पैसे बढ़ेंगे, रुतबा बढ़ेगा, लोग उसको अपने यहां बुलाएंगे यहां पर। तो इतना बड़ा फायदा है एजुकेशन का, टाइम लेता है तो लौटाता भी तो है। लोग थोड़ा सा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं जिसका कभी कभी रिटर्न आता है। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न देता है, और इसमें डूबने का भी चांस नहीं है कि शेयर नीचे जाएगा, इसका शेयर कभी नीचे नहीं जाता है। इसलिए इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। और ना एक चीज और, हम स्टूडेंट से हमारी पर्सनल शिकायत है कि एक वर्ड होता है ये कमजोर स्टूडेंट है और एक वर्ड होता है ये तेज स्टूडेंट है। ये शब्द का इस्तेमाल आप बंद कीजिए। कमजोर स्टूडेंट नहीं होता है, लापरवाह स्टूडेंट होता है, लापरवाह। और तेज स्टूडेंट नहीं होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम लापरवाह हो तो उसे अपनी गलती दिखती है, लेकिन जब कहते हैं कि कमजोर हो तो उसे सहानुभूति दिखती है, सिंपैथी लगती है। अरे बाप रे बाप,
एक तेज स्टूडेंट जिम्मेदार होता है, एक बार में बैठेगा तो 5-5 घंटा पढ़ने लगता है, 5 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ देता है। और ये जो कमजोर है ना, 5 घंटा में कमर दर्द करने लगेगा, अरे बाप रे बाप, मूव लगाओ, समझ रहे हैं आप। तो कोई लड़का कमजोर नहीं होता है, लापरवाह को हम लोग छुपाने के लिए क्या बोल देते हैं, कमजोर। हमारी भाषा ना शुगर कोटेड बोलते हैं, नहीं समझ में, शुगर कोटेड खराब ना लगे। अरे कैसे खराब नहीं लगे, खराब किया तो खराब लगेगा, अच्छा को पुरस्कार देते हैं ना, तो गलत को दंडित कीजिए कि तुम लापरवाह हो यहां पर, नहीं समझ में आया आपके। तो लापरवाह आप में से जो भी कहता है कि हम कमजोर हैं, ईमानदारी से पूछिएगा अपने आप से, दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं आप सबसे कम समय उसी सब्जेक्ट को देते हैं, सबसे कम टाइम। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा, याद रखिएगा। जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। आप किसी चीज में लगे रहिए। हमको याद है क्लास 7 में हमको मैथे नहीं आता था, फ्रैक्शनल जोड़ होता है ना, 3/2, 5/2, तो हम नीचे का नीचे से जोड़ देते थे, ऊपर का ऊपर से जोड़ देते थे, उसमें तो एलसीएम लेना होता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे टीचर सब जो थे ना, हमको नाश दिए सब। बाद में हमको पता चला ना कि हम खराब नहीं थे, वही ओवर एडवांस थे। एक बात बताइए, हम टीचर से भी कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने आया है, आप अपना लेवल नीचे करके एक स्टूडेंट बन के सोचिए, स्टूडेंट के दोस्त बन जाइएगा। टीचर बन के सोचिएगा, स्टूडेंट आपको कसाई की तरह देखेगा, अरे भैया ये क्या कर रहा है, हमको डर लगेगा। हमको डर लगता था टीचर से, कुछ टीचर का नाम हम लोग ही मनाते थे, भैया ये टीचर का ट्रांसफर हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए, ऐसा मनाते थे, डर लगता। अभी हम कुछ देर पहले न्यूज देख रहे थे, कुछ न्यूज, हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें बता रहा था कि कनाडा स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का लॉस लगेगा। अब बताओ, ना किसी को डॉलर पता, ना किसी को मिलियन पता, बोल के चल गया $400 मिलियन। अरे काहे बोला यार, उससे अच्छा बोलता कि ज्यादा पैसे का लॉस लगेगा। अब यही नहीं समझ में आता है। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कम से कम मेहनत करना पड़े। अच्छा, जिसने बोला है $400 मिलियन वो क्या उम्मीद किया है? एजम्पशन की दुनिया से ना बड़ी परेशानी है भाई। आप सीधे डॉलर को कन्वर्ट करो, आप मिलियन को कन्वर्ट करो यहाँ पर। तो टीचर भी यही करते हैं, उनको लगता है कि स्टूडेंट तो ऐसा कर लेगा, स्टूडेंट कर लेगा तो आपको बाहर भी कर देगा, जाइए आपकी जरूरत नहीं, जाइए। जब सब हम ही कर लेंगे तो आए काहे लिए हैं आप वहां पर, नहीं समझे? काहे को आपको इतना रेस्पेक्ट, और ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु मैं, अरे काहे को भैया, काहे को यहाँ पे आके। एक हमारे टीचर ने बर्नौली का थ्योरी पढ़ाए थे, असमान अनुप्रस्थ दाब की नली में अगर कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, अरे सर दर्द कर गया, अरे सीधा बोलो भैया, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। काहे को कहानी सुना रहे, नहीं सुनना हमको, नहीं समझ आया? तो एक अपने टीचर्स को भी कहिएगा, सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी घर से मेहनत करके आइए। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर होता है, देखिएगा, उसको पता होता है कि कैसे फिल्म को रोचकता बताना है। अगर भूत वाला सीन आएगा तो देखिएगा हीरोइन सांस लेने लगेगी, समझा? अचानक इधर से घूमेगी ऐसे, इधर कोई उसको चेहरा दिखा, भागो यहां से। तो ये टीचर की, ये एक फिल्म डायरेक्टर की कल्पनाएं हैं कि कैसे एक फिल्म को हम जिंदा कर सकते हैं पर्दे पर। उसके लिए वो 6 महीना साल भर मेहनत करता है, और यहाँ टीचर क्लास में घुसता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बच्चों कहां तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आपकी। समझ गया? अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिए ना कि मेरा स्टूडेंट था, नहीं समझे? तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर
स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए, भगवान हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। अब हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज, कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रेस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहीं भी तो दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है, अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी तो समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, अब खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे, क्यों सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा, और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा, फिर देखिए पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग के बोझ बना के रख दिया यहां पर। सीएम सर आपके कार्यक्रम को तो लेट नहीं हो रहा है ठीक सर नहीं एक्चुअली इतनी व्यस्तता रहती है कि सर आपको स्टूडेंट के लिए आए, ये तो स्टूडेंट का सौभाग्य है सर जो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में लगा, बड़ी जिम्मेदारी रहती है एक्चुअली। ये अभी स्टूडेंट लाइफ में ना अभी नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है, वहां से यहां नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है, अगर आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं नहीं है। हम सिक्किम में है मतलब पटना नहीं है, वहां काम रुका होगा, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी। नहीं समझ में आता है किसी को, सर यहां है तो कहीं काम रुका होगा, पेंडिंग होगा कि सर आएंगे तो होगा। तो हम उस दर्द को फील किए हैं इसलिए हम भी इस चीज को समझते हैं। और आप जितने स्टूडेंट लोग हैं एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, वक्त, टाइम, समझते हैं टाइम? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा, इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये जो बीत रहा है ना ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। इससे पहले कि समय पछताने से बेटर है अभी काम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर बिकम नेवर, कहने की समय समय ऐसा नहीं होता है। समय बहुत बलवान चीज होता है। लोग कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाता है, कुछ नहीं भरता है, हम उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया? ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी, नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारी लोगों को तकलीफ नहीं समझ में आता है लोगों, वो हमारे जख्म नहीं भरे हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं, हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम उन तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं, न कि वो जख्म भरता है, कभी नहीं भरेगा। तो समाज को आपको आगे बढ़ाना है इस देश को। यहाँ पे सिक्किम चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ना कनेक्टिविटी, अब इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेन से कनेक्ट करती है, ट्रेन से। अब सिक्किम अगर ट्रेन से कनेक्ट रहता ना तो बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है पूरी स्टेट के साथ। अब वो फ्लाइट और ये रोडवेज एक मतलब बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। ट्रेन जो है ना डाइवर्सिटी का भी एक साइन है वहां पे। मतलब आपको भारत देखना है तो जनरल बोगी में देखिए ट्रेन के, मतलब भारत की हर तरह की चीजें वहां देखने को मिलेगी आपको। तो समय को ध्यान में रखना है आप लोगों को, समय को कभी भी बर्बाद होने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर टालिएगा नहीं वर्क को। देखिए कौन इंसान असफल होगा ना उसकी एक सिंपल सी पहचान है, वो चीज को टाल देगा, बाद में करेंगे। और सफल लोगों को देखिएगा, चाहे जितना भी बीजिए लव कर देते हैं तुरंत तुरंत। कभी भी वक्त नहीं टालिएगा। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो आप
लोग कभी यंग जनरेशन है ना, अभी यंग जनरेशन में लगता है कि नहीं नहीं अरे हम कल करेंगे बाद में करेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सबके स्ट्रगल आता है, समझ आ गया कि नहीं आपके? तो स्ट्रगल सबके आना लाइफ में पार्ट है, और जिनके लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है ना उनको समझिएगा कि वो आगे चल के एक बहुत महान व्यक्ति बनने वाला है, क्योंकि ये ना महान लोगों की जिंदगी का हिस्सा होता है। फिल्म डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना तो फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना वो बड़े हीरो को देता है। तो ऊपर वाले ने भी अगर आपको टफ रोल दिया है मतलब बड़े हीरो हैं आप। अब आप फिल्में छोड़ के भाग जाएंगे तो हम क्या करें, कहां से सुपर हिट होने वाला है फिल्म यहां पे? डर जाता है। कुछ लड़कों को देखते ही आजकल सोसाइटी रेशियो स्टूडेंट में क्या, अरे क्या बात करते हो आप, सफलता चांद सूरज को ग्रहण लगता है तो आदमी किस डेक्ची का मसाला है जी? हम लोग क्या है, चांद सूरज को ग्रहण लगता है, सफल मुश्किलें आएंगी, अब भाग जाइएगा मैदान छोड़ के तो जीतेगा कौन? नहीं जीत सकते ना कभी भी, इसलिए कभी भी हार नहीं मानिएगा। गुच्छे की आखिरी चाल आखिरी चाबी भी ना ताला खोल देती है कभी कभी, थक जाइएगा यार पूरा गुच्छा ट्राई कर दिया। ये थोड़ा सा कभी भी यंग जनरेशन को इस पे ज्यादा समय लेके जाए। हम लोगों की भी लाइफ में भी स्ट्रगल आया था, और एक समय था कि हम लोग पटना में रूम ढूंढने गए तो रूम में नहीं दे रहा था कोई, यहां तक भी हम लोगों ने सब स्ट्रगल देखा। तो क्या भाग जाएंगे? पटना में बम चला दिया गया हमारे ऊपर, ऑफिसे उड़िया गया हम लोग का, फिल्म में देखे थे हम फिल्म में देखे थे, भागो यहां से ये कम फी में पढ़ा रहा है, हम लोग का बिजनेस खत्म हो जाएगा, उड़ा दिया सब ऑफिस। हम देख रहे थे हम ऐसे सपना देख रहे हैं क्या यार, एक टीचर को क्यों उड़ा दिया तुम लोग यहाँ पर, भागना पड़ा हमको। तो एक कह रहा है सर पैर के पास आपके भागिए, एक फेंका था पैर के पास में था मेरे, वो नहीं फटा था, वो रिस्पेक्ट कर रहा था। अब हम लोग कोई पहचाने रहे थे तो हमको लगा क्या है भैया, बाद में पता चला यही फटने वाला था, भाग गया हम, क्या भागो भैया यहाँ से। तो वहां से भी था इंसान को, तो क्या हम लोग भाग गए, स्ट्रगल छोड़ दिए, मम्मी को बताए नहीं थे, मम्मी को 2 साल बाद पता चला था, तो मम्मी कहेंगी तुमको क्या हुआ था, बताया नहीं था हमको। अच्छा माँ लोग ना बड़ा सेंसिटिव होती है, घबरा जाती है, अब कितने भी बड़े हो जाइएगा ना तो माँ माँ होती है, माँ की आंखें एक ऐसा आईना होती है ना जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते, उनको अभी भी वही वही छोटे दिखते हैं। और माँ बाप की बातों पर थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, इनकी आंखें कमजोर होती हैं लेकिन निगाहें बहुत मजबूत होती है, 2 मिनट में इंसान पहचान जाते हैं। वो तजुर्बा होता है उनकी आंखों में, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो माँ बाप से सुना कीजिए, यहाँ पे अपने जितने लोग के दादा बाबा ये लोग से सीखिए कुछ चीजें, उनके पास जीवन का अनुभव होता है वहां पर। लेकिन आजकल ना सेपरेट फैमिली होते जा रही है तो हम लोग वो खोते जा रहे हैं। एक बच्चे के जिंदगी का पहला दोस्त दादा होता है, और एक दादा की जिंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है, उसके बाद उस बुढ़ापे में कौन दोस्त बनने वाला है उनका? तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी का, कल्चर का यहाँ पर। तो इसे हमें सजो के रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कल्चर मायने रखता है। किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो कल्चर बचा के रखना है, और इसमें तो सिक्किम के लोगों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीखने की जरूरत है इस सिक्किम के लोगों से। आपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से बचा के, बाकी लोगों को ये इंटीग्रिटी सीखनी चाहिए यहाँ के लोगों के यहाँ से। तो कल्चर बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो चीजों को कभी भी ना नेग्लेक्ट नहीं, लोग आएंगे आपके बारे में, अगर आप जैसे आप सफल बनिएगा तो आपको लोग कहाँ मतलब आपकी टांग खींचने वाले लोग आएंगे, तो इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गधों के रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा जानते हैं क्या है? जीतने के बाद भी गधा कहलाएंगे। इग्नोर कीजिए, आप इंसान है, डिटर्जेंट नहीं की सफाई देते हुए चले गए, बोलना है बोलने तो यहां पे, समझा गए कि नहीं? योर सक्सेस विल आंसर देम, आपकी कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा यहां पर। हर एक जवाब, हर एक सवाल का एक ही जवाब देना है कामयाब बन के, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए लगन से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। हम लोगों को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। एक आदमी तो कह रहे थे कि लॉकडाउन में 2 महामारी आया, टीचर थे कुछ करे, 2 महामारी आया, एक कोरोना एक खांसर, हमके कहे करे कमाना ही बंद हो गया। तो भाई एक एजुकेशन एक अधिकार है, और केवल एजुकेशन नहीं, जैसे हमने बताया ना पानी नहीं प्योर एंड मिनरल वाटर, उसी तरह से अच्छी और सस्ती एजुकेशन पर ये आपका अधिकार है।
और इसके लिए आप इतना बड़ा यूथ है, आप लोग तो मिसाल बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आए ना तो आप में से किसी की कहानियां हम यहाँ आके सुनाए यहाँ पर, तो बेहतर होगा यहाँ पे कि आप लोग में से कल आए और पूरे राज्य का नाम रोशन करें यहाँ पर, जिससे बेहतर होगा यहाँ पे कहानी। देखिए, संघर्ष सबके लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसके ऊपर संघर्ष नहीं पड़ा। याद रखिएगा, उस पत्थर की पूजा कभी नहीं होती है जिसने कभी छीनी हथौड़ी की चोट ना खाई हो, क्योंकि मूरख बनने से पहले बहुत चोट खाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चोट नहीं खा सकते हैं तो कभी मूरख नहीं बनेंगे और कभी आपकी पूजा नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते सिक्किम। बहुत कुछ सीखने को मिला हमको यहाँ से, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का साहस, बहुत बहुत इसके हम आभारी रहेंगे जो यहाँ के लोगों ने जो हमें यहाँ प्यार दिया। सीएम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूथ को इतना मोटिवेट किया, इतना इन लोग के लिए खड़े रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नागालैंड स्टेट टीयर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहला पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया, पहला पुरस्कार केवल बिक्री बगैर टिकट और बांटा।